उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज अ केमिस्ट्री टीचर फिर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी आज से कुछ साल पहले उनका जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ए टू मोटिवेशन प्लीज गेव यटिक एंड लॉन्ग वेलकम टू दी वन एंड ओनली अरविंद कितने लोग जानते हैं इनको सारे जानते हैं सबने इनकी वीडियोस देखी होंगी इनके बारे में वैसे तो मेरे पास में बहुत कुछ है बोलने के लिए और अगर मैं बोलता रहा इनकी तारीफ करता रहा जो इनकी पर्सनालिटी है जो इनकी वीडियोस है तो आई थिंक पूरा सेशन इसी में निकल जाएगा लेकिन अगर शॉर्ट में बोलना हो सिर्फ एक लाइन के अंदर अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है मोर देन सेवन बिलियन मतलब मोर देन साढ़े करोड़ उससे ज्यादा इनके चैनल के ऊपर व्यूज है मशहूर होने की ख्वाहिश अब नहीं है मेरी संदीप सर जानते हैं बस इतना काफ़ी है yeah. हर बार हम लोग स्टेज पर आते हैं हमारे लिए तालियां बजाते हैं यार मैं आपको लिटरली बताता हूँ एक्चुअली हमारे होस्ट एंड uh, मेरे फेवरेट मैं जिनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक्चुअली हमें उनके लिए आज स्पेशली तालियां बजानी चाहिए yeah. आए, लेकिन इनका दिन है तो आप जो भी पूछना चाहते हैं इनसे प्लीज आप बैठिए इनके सवालों से पहले मैं एक लास्ट बात उस टाइम नर्वस था सर हाँ हाँ मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपको गले ढंग आप से आपको गले एक्चुअली एक्चुअली <laughs> 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 uh, मैं पहले एक ऑफलाइन टीचर था और वो भी गेट की कोचिंग करवाता था उसके बाद मैं केमिस्ट्री टीचर बना उसके बाद मैं ऑनलाइन आया और टू uh, में ए टू मोटिवेशन मैंने स्टार्ट किया था जहाँ पर मैं फैक्ट और मोटिवेशन की वीडियोज़ बनाता हूँ शॉर्ट्स एंड मैं एक राइटर भी हूँ और uh, अब एक एंट्रप्रन्यर हूँ मेरा खुद का एक स्टार्टअप है जो कि बैगलोर में बैंगलोर से हम लोग ऑपरेट करते हैं so, सो ये मेरा रोलर कोस्टर राइड है अब इस सेगमेंट में आप जो भी सवाल पूछना चाहें स्वागत है आपका आप रेगुलर वीडियो डालते हैं पर डे मैंने जैसे आपके देखता हूँ कि आपकी वीडियो आती रहती है तो उस कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखने आप क्योंकि आपके बहुत सारे वर्क है तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं और साथ साथ वीडियो भी डाल रहे हैं सर, सर वो चीज़ में जाना चाह रहा हूँ मैं जब YouTube पे आया था तो मैं एक मैं थोड़ा सा हमेशा फील करता हूँ कि जो आज का यूथ है वो जब यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देखता है तो वो जनरली देखता है कि बहुत फेम है बहुत पैसा मिल रहा है उस वजह से वो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं ये थॉट थोड़ प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि मैं इस वे में नहीं आया था 2014 में मैं बताना चाहता हूं कि आ, मैं बहुत आ, अपने आप को लकी मानता हूं कि मेरे पास इतने छः महीने के पैसे थे कि मैंने ब्रेक लिया तो वो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में अभी बता रहा हूं वो छः महीने का ब्रेक लिया उसमें मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहता था कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है मैं क्या करना चाहता हूँ तब मुझे यूट्यूब की याद आई मैंने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर मैं जो सीखा हूँ उसके अगर मैं एक वीडियो बना देता हूँ और उसे मैं अपलोड कर देता हूँ तो मुझे अगर आप दस साल बाद भी देखना हो या मेरे बच्चों को भी सिखाना हो कि देखो मैंने ये ईजाद किया था जिसकी वजह से मुझे फैसिलिटेट किया गया था मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि ये यू you नो know, एक लाइफ टाइम तक सेव रहेगा मैं इस वे से आया था मुझे पैसा नहीं कमाना था मुझे फेम नहीं कमाना था मुझे अपने लिए वीडियो बनाना था ताकि वो सेव रहे ताकि 10 साल बाद भी भूल जाऊँ तो मैं रिकॉल कर सकूँ और जहाँ तक रही अपनी लाइफ को मैनेज करने की चीज़ अगेन वो उसकेड्यूल पे डिपेंड करता है अगर आप प्रॉपरली अपने आप को अपने स्कड्यूल को मैनेज करोगे तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगता था क्योंकि पहले वन मैन आर्मी था मैं अकेले ही खुद ही स्क्रिप्ट लिखना खुद ही शूट करना उसके बाद एडिटिंग में कहीं ना कहीं एक एडिटर था मेरे साथ में बट फिर भी वहाँ पार्टिसिपेशन था लेकिन अभी टीम हो गई है तो मैं थोड़ा टाइम मेरा बच जाता है अगेन थोड़ा ज़्यादा ही बच जाता है तो मैं उसमें थोड़ा बहुत एक एक बुक लिखी है मैंने वो भी लॉन्च हो गई है उस पर भी मैंने काम किया और फाइनली मैं अपने स्टार्टअप पे भी काम कर रहा हूँ सो इट्स ऑल अबाउट योर स्केड्यूलिंग अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट जो कि स्किल संदीप सर भी सिखाते हैं अगर वो सीख लें अपने आप को मैनेज करना सीखें और सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता आपने पेपर पर पे लिख, लिख लिया मैं इतने बजे उठूंगा कमिटमेंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट अगर आप अनुशासित हैं कमिटेड हैं तो आप आगे जा सकते हैं और कई लोग अनुशासन को यानी कि डिसिप्लिन को भी एक अलग तरीके से देखते हैं उसका रियल डेफिनेशन ये नहीं है कि किसी भी काम को रेगुलरली करना नहीं चाहे वो काम आपकी पसंद का हो या पसंद का ना हो फिर भी अपने फ्यूचर के लिए अपने आप के लिए अपनी फैमिली के लिए अपनी सोसाइटी के लिए ना पसंद होने के बावजूद भी अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से करते हो रेगुलरिटी से करते हो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन छोटा सा सवाल है कि आ, हम जैसे आर्टिस्ट लाइन या फिर हम यूट्यूब शुरू करते हैं तो अक्सर एक ब्रेकडाउन टाइम आता है हर किसी की लाइफ में ये टाइम आया होगा या आएगा जो स्टूडेंट है या उसकी लाइफ में अभी आएगा तो बहुत डीमोटिवेशन होता है उस टाइम पे कि अरे हमारे साथ फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती कि अरे ये क्या यूट्यूब शुरू कर दिया है ना मतलब वो एक सोर्स नहीं मानते इसको क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने इंजीनियर बने ये बने वो कभी कोई ये नहीं चाहता कि तुम जाओ आर्टिस्ट लाइन में जाओ हीरो बनो हीरोइन बनो कोई कोई सपोर्ट नहीं करता तो हाउ टू चार्ज योर सेल्फ यू नो आपने द ऑफ हैप्पीनेस अगर देखा हो तो वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं प्लीज प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स क्योंकि वो ड्रीम्स है ना आपके लिए बहुत खास है दुनिया के लिए नहीं है उसको आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है अब उसके लिए आपको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े यू हैव टू डू दैट और इसी का नाम जिंदगी है अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही ना लाइफ में लेकिन अगर आप उन अप्स एंड में अपने सपनों को खो दो छोड़ दो तो फिर सपने आपके पास आए ही क्यों हैं बड़े सपने देखने हैं तो कीमत चुकानी पड़ती है और वो आपको चुकानी चाहिए उसके लिए कुछ भी देना पड़े यू हैव टू गिव योर सेल्फ एज वेल मेरा ऐसा मानना है एक्सेलेंस मैं आपको बताता हूं कि ये बात है जब मैं बहुत छोटा था मेरे मामा मेरी नानी हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे तो मेरे मामा ने मुझसे पूछ लिया कि ऐसे भाई दे तू करना क्या चाहता है मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी बनूंगा मतलब मैंने अपने आप को कभी कम आंका ही नहीं लोगों के सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता मैंने बोला बहुत बड़ा आदमी बनूंगा मैं बाहर जाऊँगा कुछ करने के लिए इंजीनियरिंग करूँगा तो मेरे मामा हंसने लग गए ऐसा होता है जनरली लोग फैमिली में होता है आप लोग कोई ना कोई आप पे हंसा होगा तो उस दिन वो हंस लिए मेरे मामा उस दिन हंस लिए काश वो ना हंसे होते तो आज मुझे यहाँ ना देख रहे होते पर हंस लिए <laughs> तो अच्छा है ना <laughs> तो अच्छा तो हंसते मुझे बोले कि एक्चुअली मेरे फ, मेरे जो फादर हैं वो शॉप कीपर हैं सर बहुत छोटी सी दुकान है तो मेरे मामा ने मुझसे उस दिन जो स्टेटमेंट कहा वो मेरा वन ऑफ लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ही वो सेम कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ तू कल भी दुकान पर बैठता था क्योंकि मैं सात साल की उम्र से दुकान पर बैठ रहा था कि तू कल भी दुकान पर बैठता था आज भी दुकान पर बैठता है और कल भी दुकान पर बैठेगा मैं मन में क्या सोच रहा था पता है मैं बहुत छोटा था मैं मन में क्या सोच रहा था यार इसने मेरा भविष्य लिख दिया कमाल है मतलब प्रिडिक्ट कर दिया अब ये भविष्य ऐसा होना नहीं चाहिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है उसको तो बदल के रहूंगा जब प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी लाइफ में तो हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं एक है हम ब्लेम करने लग जाए अपने रिलेटिव को फ्रेंड्स को इसको उसको सिचुएशन को लाइफ को हर एक को ब्लेम करें कि मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा दूसरा ऑप्शन यह होता है कि जो भी आपको उल्टा बोल रहा है या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो आपको गुस्सा आता है जब कोई आपको उल्टा बोलता है आपकी फैमिली में फ्रेंड्स में यहां पे वहां पे मुझे भी बहुत बोला था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था इनको भी बोला था सबको बोलते हैं आपको यह समझना है कि अगर कोई आपको उल्टा बोल रहा है आपको गुस्सा आ रहा है ना आने दो गुस्सा बस उस गुस्से को चैनलाइज करो सही जगह पर वही इन्होंने किया और आज देखो इनके अंदर एक जोश है एक आग है जो आप लोग फील कर पा रहे हो मैं देख पा रहा हूं वो आग क्यों है वो वहीं से लगी थी आग वो जो आपके मामा जी ने वो बोला था वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं हाँ ठीक है नमस्ते मामा जी <laughs> मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाउ टू बी क्लियर ऑन थॉट्स मतलब जो हम सोचते हैं और उसको इम्पोज भी करना है और कई बार डिसीजन मेकिंग में भी हमें मतलब दिक्कत हो जाती है कि कोई डिसीज़न ले तो लेते हैं लेकिन उसको एम्प्लाई नहीं कर पाते बहुत अच्छा सवाल है क्लैरिटी में एग्जांपल देता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे फादर मुझे जाने नहीं देना चाहते थे बाहर मैं एक लोता था शॉप थी उनको ये था कि संभालेगा कौन तो हमेशा जब भी मैं बाहर जाने की बात करता था तो वो कहते थे कि नहीं पॉसिबल नहीं है जैसे भी जिद करके मैं निकला बाहर क्योंकि फादर का कहना था कि भी दो सिस्टर हैं शॉप पर कौन बैठेगा उनकी शादी भी करनी है जो होता है नॉर्मल फैमिलीज में पर फिर भी लड़बड़ के साइन करवाया एजुकेशन लोन लिया निकले बाहर अब क्यों गए थे ज़रा समझने की ज़रूरत है विजन ये था कि मुझे फैमिली को प्रूफ करना है मेरे मामा जी ने कहा कि भैया तो कुछ कर नहीं सकता मेहनत करके सिलेक्शन हुआ है पापा ने एजुकेशन लोन पे साइन करने तक से मना कर दिया था फिर भी जिद करवा के कि किया क्यों किया वो इंपॉर्टेंट था कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना था मुझे इंजीनियरिंग करनी थी अब क्लैरिटी थाट क्या है ज़रा समझते हैं यहाँ से मुझे मेरा करियर बिल्ड करना है बहुत कुछ पीछे सुन के आया हूँ और बहुत कुछ लोगों को बताना है और प्रूफ करना है लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैं भी बहक गया जब बाहर निकला मैं तैयारी करने के लिए सर तो अगेन आ, आ, पता नहीं कैसे बताऊँ बट बत, वहाँ पे एक लड़की थी बाहर जाने के बाद जब हवा लग जाती है फ्री हो जाता है इंसान उसी की तरफ दौड़ता है <laughs> तो मेरे साथ सेम हुआ उनको जब पहली बार देखा मैंने तो आ, बस दिल के तार बज गए पता नहीं क्या हुआ पर एक बात मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगेन करने कुछ और आया था पढ़ाई करने आया था तैयारी करने आया था ताकि मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो लेकिन वहां पर इस चीज में अगेन साइड में हो गया डाइवर्ट हो गया बिकॉज उस टाइम में क्या मुझे एनर्जी बहुत थी जैसे आज आप फील कर रहे हो इससे दस गुना ज्यादा थी मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन वो जो एनर्जी होती है उस टाइम पे स्कैटर्ड होती है इस वजह से आप बहक जाते हो लेकिन उसे अलाइन करना बहुत जरूरी है और उसके लिए एक पर्सन चाहिए जो आपको समझ सके तो मुझे लगता था कि यार ये मेरी फ्यूचर वाइफ हो सकती है ऐसा करके यस जिन लड़कों को प्रॉब्लम होती है ना जिनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है उनसे ना मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ सवाल ये है कि जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं वो सिर्फ आप ही की है इसका कोई प्रूफ है <laughs> <laughs> उसके आने का इंतजार करना उसके जाने का इंतजार करना उसे देखना है ना बिल्कुल होता <laughs> है छः महीने मैंने ख़राब कर दिया कुछ पढ़ाई नहीं की मैं भूल गया मैं क्या छोड़ के आया हूं किन बातों को यार प्रूफ करने के लिए छोड़ के आया हूं यार वो सब भूल गया मैं गलत बात है पर बह गया बह गया कुछ नहीं कर सकता था तो मैं उनके पास गया और जाके मैंने उनको बोला मैंने कोई लव यू अलव्यू यू कुछ नहीं बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ और उनके पास बैठा जाने का मौका मिला तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ उनकी मम्मी को बोला पहले तो मम्मी टकराई मैंने कहा जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ सबसे मिल लूँ क्या मैं उनसे भी मिल सकता हूँ मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ वो फैन इस वजह से था क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा इंक्लाइन थी स्परिचुअलिटी की तरफ तो वो बहुत बुक्स पढ़ती थी तो uh, मैं गया उनके पास बैठा मैंने उनको शादी करनी तो मुझे मुझे शादी करनी है, <laughs> अब, अच्छा, शादी करनी है। मैं बता देता हूँ मुझसे पांच साल बड़ी थी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया लास्ट में जो पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी सुनती रही बोला एक बात बोलती हूँ ध्यान से सुनना मैंने कहा भले हाँ। अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या स्टेटमेंट बहुत खतरनाक थी दिल पे चुप गई कि अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या था फिर उसने बोला कि तुम जब छः महीने पहले आए थे ना तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो अब क्या हो गया फिर लास्ट में उसने जो बात बोली वो आप सब लोगों को सुननी चाहिए अगेन मैं कह रहा हूँ लड़कियाँ बहुत मेच्योर होती हैं वो खुशी वाली बात भी थी लेकिन चैलेंज भी था मेरे लिए उसने बोला तो सफल हो जाओ अपने पाँव पे खड़े हो जाओ तब हर चीज़ तुम्हारी कदम चूमेगी तुम्हें सब मिल सकता है शायद मैं भी एंड जब उसने वो स्टेटमेंट बोला मुझे दुख से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि आग दोनों तरफ है वो कह रही शायद मैं भी <laughs> आज वो मेरे साथ है वो मेरी सफलता में उसका पूरा हाथ है ये छोटे छोटे से मूवमेंट होते हैं बॉस जब आप अपने पाथ से हटते हो ना अगेन वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था लेकिन वो आपकी कभी कभी स्ट्रेंथ भी बन जाती है अगर मैं सीधे चले जाता ठीक है मन में रख के पर वो मैंने वो रिस्क उठाया रिस्क है तो इश्क है रिस्क उठाया तो सामने से स्टेटमेंट आया समझ में आया कि हमें करना क्या है फाइनली उसी पाथ पे दोबारा आ गए तो आपकी लाइफ बनती है बिगड़ती है आपके आसपास के लोगों से जो आप चूज करते हो और अगर आपकी चॉइस सही है तो आपकी ज़िंदगी बन सकती है और बहुत बेहतर बन सकती है और उसने मेरी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया है जो आपके सामने मैं हूँ क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बोला कि दैट बर्निंग फायर होना चाहिए या कुछ है अगर वो स्टिल uh, एग्जिस्टिंग है बट बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर क्या रहता है कि हमारा तो वर्क uh, है बट पेरेंट्स आर आल्सो एक्सपेक्टिंग मोर एज कम्पेयर टू द मेन स्ट्रीमिंग स्टूडेंट तो दैट एग्जर्शन ऑन द एग्जिस्टिंग जॉब और वॉट द करियर अगर होता है तो वो कैसे मतलब uh, मतलब रिजॉल्व होगा अगर आप करियर को चूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस क्या है दूसरे क्या सोचते हैं कौन सा करियर बेहतर है कौन उस करियर में अच्छा कर रहा है हम वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं बजाय अपने पैशन को देखने के मैं बड़ा खुश हूँ इन्होंने कहा कि मैंने उस करियर को चूज किया जन लोग जाते नहीं है बहुत बढ़िया बात है यार मानना पड़ेगा बिकॉज आप लोग बहुत बढ़िया बिकॉज आप लोग समझ लीजिए कि आपको जो शोशा वाली जिंदगी दिखती है ना इन्फ्लुएंसर वाली वो दिखने में अच्छी है उसको मेंटेन करना हार्ड है आप सिर्फ उनको देख के मत जाओ आपका को कोई पैशन या स्किल सेट है तब आप जाओ और इंडिया को सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत नहीं है बाय द वे हमें बहुत सारे फील्ड में हमारे इंडिया में यूथ बहुत अमेजिंग है बहुत लेकिन प्रॉब्लम क्या है सोशल मीडिया पर दिखता है तो हम फॉलो करने लगते हैं अपने पैशन को भूल जाते हैं या आपका जो स्किल सेट है जो आप जिस चीज़ के लिए बने हो वो भूल जाते हैं करियर पे ध्यान रखिए अपने करियर को चूज करने के लिए दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों के अप्रिसिएशन के लिए करियर को चूज मत करो या दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतरने के लिए अपने करियर को चूज मत करो बॉस अगेन कह रहा हूं जिंदगी आपकी है सपने आपके हैं आप अपने हिसाब से अपने करियर को चूज करिए आपका पैशन क्या है आपकी पॉजिटिविटी क्या है आपके कैलिबर्स क्या है उसके हिसाब से अपने करियर को चूज करना बहुत जरूरी है मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक स्पिरिचुअल गुरु है शी इज रियली अमेजिंग जया किशोरी जी उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था उनका नाम लेना चाहूँगा मैं और वो पॉडकास्ट अभी रिलीज हुआ है तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी देखिए लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे बहुत कुछ वो गाली भी निकालेंगे आलोचना भी करेंगे दे लो व्यूज यू दे क्रिटिसाइज यू या वो लेना नहीं लेना आपके हाथ में इग्नोर कर दो छोड़ दो उसको हार्ड है लेकिन अगर आपने ये कला सीख ली कि दूसरों के क्रिटिसिज्म को कैसे एक यू you नो know, एक लाइन के बाद एक बाउंड्री के बाद अपने तक आना ही नहीं देना है अगर आपने टू किया है ना दैट्स इट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपली बोल रहा हूं दूसरों की क्रिटिसिज्म को भूल जाओ अगर मन से सेटिस्फैक्शन है ना कि बच्चों के लिए बहुत दिन रात मेहनत की है दो दिया है क्रिटिसिज्म मैटर ही नहीं करता जब तक आपका मन आपको अप्रिशिएट कर रहा है और आपके मन का अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा मायने रखता है आप अपनी तरफ से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं आप किसके लिए कर रहे हैं आप अल्टीमेटली उन बच्चों के लिए कर रहे हैं ना अब उनके जो पेरेंट्स है वो नहीं समझ रहे हैं। वो आकर के आपको उल्टा बोल करके जा रहे हैं तो आपको गुस्सा आएगा आपकी जगह मैं हूंगा कोई भी होगा उसको गुस्सा आएगा किसको नहीं आएगा कोई इंसान अपने पूरे दिल से काम को करे ईमानदारी से करे अच्छी नीयत के साथ करे उसके बाद भी लोग सामने से उल्टा बोले तो गुस्सा आता है आई अंडरस्टैंड बट इस गुस्से को यूज करिए उन बच्चों की लाइफ को और बेटर बनाने में जैसे जब मैंने अपने सेशंस करने शुरू करे थे तो बहुत लोगों ने बहुत तरीके से क्रिटिसाइज किया मेरे को किया इनको भी किया होगा आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर तो वो जो क्रिटिसिज्म है उसको मैंने यूज किया कि लोग उल्टा बोल रहे हैं ना इसका मतलब कुछ उसमें सच्चाई भी है और कुछ झूठ भी है तो पहले तो उसको फर्क किया फिर जो सच्चाई है उसको यूज किया कि हां आप जो कह रहे हो बात में उस पर थोड़ा तो दम है कोई बात नहीं अभी ये कमी है ना इसको बेटर करता हूं इसको इंप्रूव करता हूं और बेटर करता हूं और बेटर और बेटर और बेटर अब वो हंड्रेड परसेंट तो कभी भी नहीं हो सकता ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सौ परसेंट पेरेंट आपके पास आकर आपकी तारीफ करने लग जाए ऐसा नहीं हो सकता बट अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए दस में से नौ उल्टा बोलते हैं एक अच्छा बोलता है आपका होना चाहिए इस दस में से पांच लोग आए और दिल से आकर के आपको थैंक्स करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको और एफर्ट करना पड़ेगा जो अभी कर रहे हो उससे और ज्यादा करना पड़ेगा अपनी स्किल को और अपग्रेड करना पड़ेगा अब वो आप क्या करोगे कैसे करोगे वो आपको पता है क्योंकि वो आपकी लाइन है हमें नहीं पता है तो अगर आप वो कर पाते हो और उस तरह से आगे बढ़ पाते हो तो सिर्फ अभी जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो वहीं पर नहीं आगे भी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो अपॉर्चुनिटीज बहुत है और उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर उनके कहने पर आप रुक गए तो नुकसान किसका है इसको ऐसे देखो आपने कहा कि अब मैं अपना जो काम कर रही हूं ना उसको अच्छे से करने के बाद भी कुछ मिलता तो है नहीं मतलब अपना काम अच्छे से करने के बाद भी उल्टा ही सुनने को मिलता है तो काम करना ही क्यों है बाढ़ में जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है ये भी एक अप्रोच है बहुत लोगों की कि हम काम करते हैं अप्रिसिएशन तो मिलता नहीं है जॉब करता हूं यहां पर कमियां तो सब निकालते हैं तारीफ कोई करता नहीं है अच्छी क्वालिटी कोई देखता नहीं है तो मैं अपना काम ढंग से करूं ही क्यों तो इसमें नुकसान किसका है कभी सोचा है शॉर्ट टर्म में चलो उस इंसान का नुकसान है जो इम्प्लॉयर है उसका नुकसान है लॉन्ग टर्म में किसका नुकसान है इंप्लॉई का क्योंकि वो इम्प्लॉय वहीं पर स्टक हो जाएगा वो बेकार हो गया उस कंपनी के लिए भी और, और कंपनीज के लिए भी लेकिन अगर उसको उस कंपनी में उल्टा बोला जा रहा है फिर भी वो अपने काम को और अच्छा करता जा रहा है और अच्छा करता जा रहा है और अच्छा करता जा रहा है तो आज नहीं तो कल वो उस कंपनी को छोड़ेगा कहीं और जाएगा तो हो सकता है वहां एप्रिसिएशन नहीं मिला अरे वहां तो मिलेगा दूसरी जगह नहीं मिला तीसरी जगह मिलेगा चौथी जगह मिलेगा कोई तो कंपनी होगी जो देखेगी कि आप एक्चुअल में अंदर से क्या हो जिसको हीरे की परख होगी और उस दिन आपको हीरे का दाम मिलेगा It was really a pleasure meeting you and pleasure talking to you. Thank you so much for coming. It means a lot to me. Thank you so much. And to everybody here. Thank you so much.